नमस्कार। पिछले एक हफ्ते में कच्चा तेल 6550 या 6600 के ऊपर नहीं गया, ना ही 6400 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। वहीं उसके विपरीत अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में पिछले एक हफ्ते में हमने 12.5% की तेजी के साथ प्राइजेस इस वक्त 155 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने देखा एक टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन या मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न है रेड सी एरिया में, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा ड्रोन अटैक यहूदी द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके चलते यूएस यूके ये एक्शन मोड पे है ईरान सपोर्टेड यहूदीज पे, जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। बट वहीं इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि WTI $80 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही ब्रेंट 84-85 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि डेटा पॉइंट जो बता रहे हैं चाइना के जो नंबर्स है वो काफी खराब है। चाइना ने इनफैक्ट जितने भी स्टेप्स लिए भी है इकोनॉमी को संभालने के, उसका असर हम देख रहे हैं कि प्राइजेस पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जापान टेक्निकली अब रिसेशन में आ चुका है, यूके में भी टेक्निकल रिसेशन है। एक तरफ हम डिफ्लेशन की वजह से रिसेशन का कंसर्न है, दूसरी ओर यूके में इन्फ्लेशन की वजह से रिसेशन का कंसर्न है। वहीं दूसरी ओर इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो कच्चे तेल की जो इन्वेंट्री है 4.2 मिलियन बैरल से बढ़कर अब 447.2 मिलियन बैरल हो चुकी है 23 फरवरी के वीकेंड पे। वहीं गैसोलीन के अंदर थोड़ा फॉल है जो प्राइसेस को सपोर्ट भी कर रहा है। बट कुल मिला के यूएस के जो रिफाइनर है वो नेट इनपुट जो अगर देखें वो फॉल हुआ ही है, जिसकी वजह से प्राइस को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। ओपेक अभी भी मानता है कि 2024 की जो ऑयल डिमांड है वो करीबन 2.25 मिलियन बैरल पर डे का रहेगा, जबकि ओपेक का ये मानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 2.9 के मुकाबले अब 2.7 रहेगी, जिसकी वजह से प्राइजेस एक ठहराव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली हमने देखा कि थोड़ा सा वेदर में चेंजेस आए, जिसकी वजह से प्राइजेस में गेंस आया। टेक्निकली भी मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में था, जिसकी वजह से थोड़ा भी वेदर का सपोर्ट मिला और प्राइजेस में हमने 12% का तेजी पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखा। लेकिन अभी भी आप मान के चलिए कि जो एनर्जी की डिमांड है एज ऑफ नाउ 1 मार्च के बाद ज्यादा नहीं रहेगी, तो एक टेक्निकल करेक्शन मिल जाएगा। बट ज्यादा बड़ा हम लोग एक बाउंस नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज आगे जाकर हम देख रहे हैं कि यूएस रिलेटेड जितने भी कंपनीज है वो अपने अपने प्रोडक्शन नेचुरल गैस में कम करेंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक वापस शिफ्ट मिलेगा। तो इन शॉर्ट अगले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में जब तक प्राइजेस 6600 या 6550 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, डाउनसाइड इंटैक्ट रहेगा जो 6300 तक का लेवल एक बार दिखाएगा। वहीं नेचुरल गैस के अंदर टेम्पररी वापस 140 तक का लेवल देखने मिल सकता है। हाँ, लंबी तेजी मिलेगी बट मार्च 15 तारीख के बाद से मिलेगी, अभी एक करेक्शन नेचुरल गैस में मिल सकता है।